ऐसे नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, भारत न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज पूरे हिंदुस्तान के हर एक कोने से लोग मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। वहीं मुंबई के गवंडी जाकिर हुसैन नगर में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाले और लोगों ने बताया कि योगी सरकार आरोपियों को सजा देने में नाकाम नजर आ रही है। नगर में एक एनजीओ चलाते हैं, जिस तरीके से हाथरस यूपी उत्तर प्रदेश में हाथरस में देश की बेटी के साथ ये जो घिनौना अपराध हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ है। ये पहली दफ़ा तो हुआ नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे हादसे हमारे कानों के सुनने में आए। हमने देखे अपने आंखों से इस तरीके के हादसे, फिर भी प्रशासन जो हमारी न्यायपालिका है अभी तक का जागी नहीं। रेप के ऊपर, बलात्कार जैसे घिनौने अपराध के ऊपर अभी तक का कोई ऐसा कानून या कलम नहीं लाए, लोग कानून नहीं लेके आए जिससे कि झट से पट फैसला हो जाए या जो अपराधी है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उन्हें फांसी जैसी कठोर का शिक्षा मिले, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से, यूपी सरकार से क्या चाहते हैं? यूपी सरकार से तो हम ये अनुरोध करते हैं, जिस तरीके से अभी सुनने में आ रहा है कि उस बेटी के परिवार वालों को पीड़ित किया जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, एक सरकार और इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते योगी जी को ये शोभा नहीं देता है कि किसी बच्ची का इतना घिनौना अपराध होने के बाद उसकी हत्या हो गई, बलात्कार हुआ है, फिर भी उसके घर वालों को इन लोग सता रहे हैं। मैं योगी जी से यही निवेदन करता हूँ कि जो भी भले उनके जाति के लोग हो, भले जाति के ठाकुर लोग हो, उन्हें कोई भी रहे, कोई जाति के रहे, कोई भी धर्म के रहे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द इस चीज़ को फैसला करें। तो योगी जी का तो कहना है मैंने SIT गठन कर दी है और जहाँ तक है CBI के पास ये केस पहुँचेगा, CBI को दिया जाएगा, तफ्तीश होगी। तो अभी आपका क्या कहना है, आपको लगता है कि CBI या SIT उसकी जाँच बराबर करेगी? नहीं, कोई भी कानून पे अभी किसी को भी कानून के ऊपर भरोसा नहीं रहा। एक्चुअल में जो देखा जा रहा है उसी में वीडियो सामने आया है फेसबुक के ऊपर कि DM धमका रहे परिवार को, DM धमका रहे कि जब तक का मीडिया है तब तक का मीडिया जाने के बाद हम ही लोग रहेंगे। ये कौन सी बात है, एक जिला अधिकारी अगर लोगों के घर वालों को ऐसा धमकाता है तो ये तो सरासर गलत बात है। अगर योगी जी को बेटी के साथ इंसाफ करना था तो क्यों योगी जी की पुलिस क्यों रात में 2:30 बजे लेके गई उन्हें जलाने के लिए बच्ची के शव को? रखना चाहिए था, उनके घर वालों को देना चाहिए था, मगर योगी जी ने तो किया नहीं, ना पुलिस प्रशासन ने किया है। आपको क्या लगता है कानून का मिसयूज किया जा रहा है? कानून का मिसयूज किया जा रहा है। कानून एक्चुअल में कानून हम लोगों के लिए बना है, कानून को ना जो सच है कानून को भी पता है, जो पुलिस है पुलिस को भी पता है, बहुत से लोगों को पता है कि गलत कर रहे हैं योगी जी और उत्तर प्रदेश की सरकार गलत कर रही है। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा शक है कि सरकार पुलिस से मिलके वो सब सारा जो है? बेशक बेशक, सरकार ये पूरे कांड के अंदर सरकार की मिली भगत है, क्योंकि ऐसा है कि जो बड़े बड़े जो चारों अपराधी है कहीं ना कहीं योगी जी के जो दोस्त हैं, उनके अच्छे रिलेशन उनके लड़के लोग हैं, योगी जी के जो दोस्त है या पप्पू यादव या क्या उनका नाम है, उनके दोस्त है शायद ये लड़के लोग, तो योगी जी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आप इंसाफ के लिए ये क्या बार बार आप करेंगे? ये इसी तरीके से पूरे भारत में ये प्रोटेस्ट हो रहा है और इसी तरीके से प्रोटेस्ट होता रहेगा और हम हर उस प्रोटेस्ट में जाएंगे जहाँ पे भी बच्ची को न्याय दिलाने में हमारे अगर इतना भी योगदान होगा, हम हर शख्स को हर काम करेंगे, हमारे साथ हर वो शख्स को लेके चलेंगे जो हमारे साथ इस चीज़ के लिए लड़ना चाहता है और लड़ा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।